आरा रोटी बैंक के तत्वाधान में रेड क्रॉस ब्लड बैंक में रक्तदान महोत्सव शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन उप विकास आयुक्त विक्रम विरकर, जिला स्वास्थ्य समिति के जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉक्टर रवि कुमार, जिला लेखा प्रबंधक अश्वनी कुमार, जिला योजना समन्वयक प्रेम रंजन मोदी, प्रधान लिपिक रविशंकर कुमार, रेड क्रॉस सोसाइटी सचिव विभा सिन्हा, मेयर प्रतिनिधि प्रेम पंकज, आरा रोटी बैंक के अध्यक्ष सोनाली देवी ने किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त विक्रम विरकर ने कहा कि आरा रोटी बैंक भोजपुर जिले का गर्व है। आज रक्तदान को प्रखंड स्तर के हर पंचायत तक ले जाने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। रक्तदान करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है, साथ ही समाज को कुछ वापस करने का सबसे बेहतर तरीका भी है। आरा रोटी बैंक की कार्यप्रणाली वाकई काबिले तारीफ है, जहां समाज के अंतिम पायदान के तबके के लिए बेहतर कार्य किया जा रहा है। साथ ही आरा रोटी बैंक को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। रक्तदान के प्रति जागरूकता का माहौल भोजपुर जिले में देखने को मिल रहा है, फिर भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी रक्तदान करने से डर लगता है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें और जागरूक करें। वहीं आरा रोटी बैंक के संतोष सिंह भारद्वाज ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 14 जून 1997 से विश्व रक्तदान दिवस मनाने की शुरुआत की गई, जिससे समाज में रक्तदान को लेकर एक नई चेतना आ सके और उसी का परिणाम है कि आज समाज के हर वर्ग के लोग बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। संतोष सिंह भारद्वाज ने यह भी कहा कि आज के दिन संध्या के 15 सदस्यों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया और साथ ही हर वर्ष मार्च की 13 तारीख को संस्था द्वारा इसी प्रकार से रक्तदान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि विदित है कि आरा रोटी बैंक जरूरतमंदों के बीच विगत 5 वर्षों से ज्यादा से समय से समाज में उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए कार्य कर रहा है, साथ ही आने वाले समय में सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे पर भी काम किया जाएगा। वहीं सोनाली देवी ने कहा कि आरा रोटी बैंक विगत 5 वर्षों से ज्यादा से ससमय जरूरतमंदों के रक्त की जरूरत को पूरा कर रहा है और संस्था ने रक्तदान महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी सदस्य बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। साथ ही अपील की गई कि रक्तदान को लेकर समाज में भ्रांतियों को आज दूर करने की जरूरत है। वहीं विभा सिन्हा ने बैंक समाज के सर्वांगीण विकास के लिए लंबे समय से प्रतिबद्ध है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के डीपीएम डॉक्टर रवि कुमार, डैम अश्वनी कुमार, प्रेम रंजन मोदी आदि उपस्थित होकर आरा रोटी बैंक टीम का उत्साहवर्धन किया। मेयर प्रतिनिधि प्रेम पंकज उत्पलला ने कहा कि आरा रोटी बैंक सामाजिक उत्थान की दिशा में लंबे अरसे से कार्य करते आ रहा है, इनके द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है। साथ ही आने वाले समय में रक्तदान को लेकर जिला स्तर पर जागरूकता अभियान आरा रोटी बैंक के माध्यम से चलाया जाएगा। रक्तदान महोत्सव को सफल बनाने में आरा रोटी बैंक के सोनाली देवी, अखौड़ी दीपक बिहारी, प्रवीण सिन्हा, राजीव सिंह, अभिषेक अग्रवाल, मुक्तिकांत, हर्षिता विक्रम, रोशन राजा, टोनू यशवीर, गौरव केसरी, अभिषेक ओझा, नेहा सिंह, मनीष, राकेश केसरी, मुशारिफ हुसैन, मशरफ खान, राजीव रंजन, रितेश शाह, अमिताभ शंकर, दिवेश सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं धन्यवाद ज्ञापन प्रवीण सिन्हा ने किया। आरा रोटी बैंक युवाओं का एक अच्छा उपक्रम है, काफी सारे युवा इसमें जुड़े हुए हैं जो समाज को वापस कुछ देने की सोच रख के काम कर रहे हैं। काफी उनकी सामाजिक गतिविधियां इंप्रेसिव रही है जो उन्होंने अभी तक दिखाया है। आज जो रक्तदान शिविर हो रहा है उनके माध्यम से उनके 5वें वर्षगांठ पे काफी अच्छी पहल है युवाओं के लिए, पूरा भोजपुर जिले के लिए, कि वापस देना समाज को। और शुरुआत उसके लिए आपके पास बहुत पैसे की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हो तो रक्तदान जैसी सामान्य चीज से आप किसी का जीवन बचा सकते हो। तो पूरा जिला के लिए अभिमान की बात है, गर्व की बात है, और उसके साथ ही युवाओं के लिए ये एक सोच है, एक सीख है कि आप आगे बढ़ के रक्तदान जैसी एक्टिविटीज के माध्यम से समाज से जुड़ सकते हैं। और जो एक कहावत जो कैंपेन चला था, एड कैंपेन की, करके देखिएगा, हो सकता है आपके मन में कुछ डाउट्स हो इसके संबंध में, कुछ मिसकंसेप्शंस हो, तो करके देखिएगा एक बार, अच्छा लगेगा। सर, आपने रक्तदान वगैरह कोई किया कि नहीं? बहुत बार किया है, कभी पुलिस सप्ताह दिवस मना सर, बहुत सारे लोगों ने किया, पुलिस की जवान ने किया, तो जो कई लोग के अंदर भ्रांति होती है कि रक्तदान करने से हमारे शरीर पर उल्टा असर पड़ता है, कि फायदा होता ही है, लेकिन लोग डरते हैं उनके बारे में। हम डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन काफी अच्छा अच्छी बात होती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, प्यूरिफिकेशन हो जाता है, और किसी तरह का कोई थकावट नहीं आता है, किसी तरह का कोई कमजोरी नहीं आती है, और बिना आपका कुछ नुकसान हुए किसी का जान बचाने का इससे आसान तरीका नहीं है, इससे बड़ा तरीका नहीं है, और इससे ज्यादा पुण्य का तरीका नहीं है। आरा रोटी बैंक के द्वारा ये 5वीं दफा है, 5वां साल है हमारा जब हम रक्तदान को एक महोत्सव के रूप में मनाने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए। पिछले वर्ष यह रक्तदान शिविर हमारा
सदर अस्पताल आरा में एक प्रांगण में लगा था ब्लड बैंक में, और इस बार का रक्तदान शिविर हमने रेडक्रॉस सोसाइटी में आयोजित करना सुनिश्चित किया है। और जैसा कि आप सभी ने देखा कि रक्तदान हमारा शुरू हो चुका है। भूख के खिलाफ तो जंग आपका जारी रहता है जी। और ऐसे में जीवन बचाने के लिए भी आप आगे आ रहे हैं और आपके सदस्य आगे आ रहे हैं, तो समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? जैसा कि अभी आरा डीडीसी साहब आए थे, उन्होंने भी ये चीज़ कही जो बहुत काबिले तारीफ है कि हम समाज को क्या बदले में दे रहे हैं। आज एक मनुष्य होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, ये आपका हमारा हम सबका दायित्व है, ये हमारा फर्ज है कि हम समाज को जो हमारे ऊपर जो कर्ज है वो कर्ज को किसी ना किसी माध्यम से हम जरूर अदा करें। और हमारी एक बहुत साधारण सी कोशिश है, ये नाम आप पीछे देख रहे हैं आरा रोटी बैंक, ये 2019 में हम लोगों ने हमारे साथियों के द्वारा हमने ये शुरुआत की, और तब से लेके आज तक हमारी कोशिश है कि जितने भी ज़रूरतमंद हैं चाहे जिस माध्यम से भी हो हम उनकी अगर मदद कर पाएं तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि सौभाग्यशाली है कि ईश्वर के द्वारा ये अवसर हमको दिया जा रहा है लगातार। संतोष सिंह भारद्वाज, आरा रोटी बैंक।